हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जगदीप ब्राट, स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ए द थीव स्टोरी। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 10th इंग्लिश के बुक फर्स्ट लाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। विद फुटप्रिंट एंड हार्टबीट का चैप्टर फर्स्ट और टाइम ऑफ सर्जरी भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, जाओ चेकआउट द प्लेलिस्ट और स्टार्ट वॉचिंग। सो हम इसको कवर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जो होगी हमारा आज का जो पर्टिकुलर सेशन होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। सो थ्री, तो देखो क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, इस पर्टिकुलर बुक का चैप्टर है दैट इज़ द थीव स्टोरी। ठीक है, उससे पहले आपको मेरे से गुजार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी करना और अपने डाउट्स हैं जो उसे कॉमेंट मुझे करके बताते रहा करो समय समय पर। ठीक है, और जो आपको जिस भी चैप्टर की सबसे पहले वीडियो चाहिए वो मुझे, आप चैप्टर का नाम आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो पहुंचा दिया करूँगा। ठीक है, तो द चैप्टर 2 द थीव स्टोरी। थीव का मतलब होता है चोर, हमारी सामान्य भाषा में देखा जाए तो इन थीव का क्या मतलब होता है, चोर। तो अब चोर की द थीव यानी कि चोर की कहानी, ये थोड़ा अजीब सा नाम नहीं हो गया? जी हाँ, इसमें हम एक चोर की कहानी को पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो चोर, जो कि चोर कौन है हमारा, हरी सिंह, जो क्या करता है अपने आए महीने अपना नाम चेंज कर लेता है और वो हर रोज अनिल को भी रोब करता है। वो कैसे करता है वो हम इस पर्टिकुलर, और इससे हमें कुछ सीख मिलती है, सीख यानी कि इससे कुछ हमें मोरल मिलता है। क्या मिलता है कि हमें पहला तो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा अगर आप अच्छे हो तो आप सामने वाला पहले कितना ही बुरा लेकिन आपकी अच्छाई उसे भी अच्छा बनने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, ऐसा ही हमारी स्टोरी में भी हुआ है। थर्ड कि हमें किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, ये चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताए रहे हैं जो भी हमारे इसके जो हैं ऑथर है। सो ऑथर की बात की जाए तो इस जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। इसकी जो पॉइंट्स हैं आपने पहले भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है ना तो 9th में देखना, आपने ज़रूर पढ़ी होगी इसकी, रस्किन बॉन्ड की। ये कौन है हमारे इसके राइटर हैं स्टोरी के, रस्किन बॉन्ड। तो इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, एक मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द थीव स्टोरी। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया है, उसमें रस्किन बॉन्ड का आपको टिक करके आना है। ये चीज़ें आप ज़रूर में ध्यान में रखिए। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। सो सबसे पहले हमें स्टोरी को समझना है, हमें स्टोरी का एक करेक्टर स्केच पता होना चाहिए कि आखिरकार स्टोरी में चल क्या रहा है, क्या चैप्टर स्केच क्या कह रहा है स्टोरी का। तो द थीव स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old बॉय। ये जो स्टोरी है ये एक बच्चे के बारे में है जो कि 15-year-old है, हरी सिंह, जिसका क्या नाम है, हरी सिंह, हुज लाइफ चेंजेस व्हेन ही मीट्स अनिल। उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है जब अनिल से मिलता है, 25-year-old राइटर, 25 साल पुराना एक राइटर से। अनिल अनस्पोकन वर्ड्स एंड काइंड गेस्चर लीव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हरी सिंह लाइफ। तो जो उसके मिलने के बाद जो है उसके कुछ जो उसके शब्द थे ना भाई, उसके जो शब्द थे जो वो इतना दयालु था कि उसके शब्द भी दयालु होंगे, तो जो वो इतना मतलब अच्छे से बोलता था और वो इतना दयालु था जिसने क्या किया, हरी सिंह के क्या किया, हरी सिंह की जो मतलब लाइफ है उस पर क्या किया, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला इनके, वो बुरे से अच्छा बनने लगा। वो कैसे देखते हैं हम इस पर्टिकुलर स्टोरी में। अब उसके बाद आ जाता है आपका कैरेक्टर्स के बारे में। सो अबाउट द कैरेक्टर्स, हरी सिंह, ही इज़ अ 15-year-old बॉय, फेयर हैंडेड थीव। हरी सिंह कौन है, एक 15 साल का कौन है, 15 साल पुराना मतलब एक बच्चा है 15 साल का, फेयर हैंडेड थीफ यानी कि वो उसका जो क्या एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चोर था, यानी कि वो एक चोर था। ही इज़ कीन ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, वो हमेशा सीखता रहता था कैसे लिखा जाए कैसे पढ़ा जाए। ही इज़ सो एक्सपीरियंस रोबर,
वो क्या था, सो एक्सपीरियंस रोबर था, यानी कि वो बहुत सालों से चोरियां कर रहा था। डैट ही नो हाउ डिफरेंट पीपल विल रिएक्ट वैन दे आर रोब। वो यह भी जानता था कि किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, कि अगर जब उन्हें क्या कर लिया जाए, लूट लिया जाए, जैसे कि हमारा जो है अमीर आदमी वो क्या शो करेगा, फियर। ठीक है, अनिल ही इज़ अ 15 या 25 ईयर्स ओल्ड बॉय, अनिल की बात कर रहे हैं। ही इज़ 25 ईयर ओल्ड, टॉल एंड लीन मैन। वो 25 साल का था अनिल जो है, लंबा और ठीक ठाक था। ही अर्न्स हिज लिविंग बाय राइटिंग, वो अब लिख अब क्या करता था, बुक्स लिखा करता था, और उससे क्या कमाता था, पैसे कमाता था और उससे अपना गुजारा है और चलाता था। ही इज़ अ काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग मैन। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु मैन था, ठीक है, काइंड था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी गोइंग पर्सन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हरी सिंह अप्रोचेस अनिल। तो अब इसके बीच में क्या हो रहा है, हरी सिंह क्या कर रहा था, ये तो हमें बता रहा है कि सबसे पहले स्टोरी में जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो हरी सिंह था वो 15 साल था, तो वो क्या करता था, आए महीने अपना नाम है जो बदल लेता था, ताकि वो पुलिस से बचा रहे और जिन लोगों को उसने लूटा है उनसे बचा रहे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब उसका जो नाम है वो हरी सिंह है, बट ये उसका एक्चुअल नेम नहीं है, उसका एक्चुअल नेम कुछ और ही है जो कि हमें इस पूरी स्टोरी में नहीं मैंशनड है। ठीक है, और वो बताते हैं कि वो अपना आए महीने नाम चेंज कर लेता है, जैसे कि आज उसका सुरेश है, कल को क्या पता उसका रमेश हो, तो फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हमें बताते हैं ऑथर कि वो क्या था जो हमारा, वो कब अनिल से मिलता है, जब अनिल क्या कर रहा होता है, एक रेसलिंग मैच को देख रहा होता है। ठीक है, और वो उसके पास जा के कहता है कि तुम भी एक अच्छे रेसलर हो। ठीक है, वो कहता मैं भी, शायद तुम्हें लगता होगा बट मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके बाद उससे अनिल से मुलाकात हो जाती है उसकी। तो यहाँ देखते हैं अब इसमें जो मैंशनड है, हरी सिंह अप्रोच अनिल व्हेन ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। हरी सिंह अनिल को तब मिलता है, अनिल हरी सिंह को तब मिलता है जब हरी अनिल जो है एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। एज सीम टू बी एन ईजी टारगेट ऑन हिम, क्योंकि हरी सिंह भी चाहता था कि मुझे इस पर टारगेट बनाना है और ये मुझे मुझे काइंड लग रहा है, इसको रोक करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इस उसका जो टारगेट था वो अब अनिल था। हरी यूज सम फ्लैटरिंग वर्ड्स टू गेन अनिल कॉन्फिडेंस। उसने कुछ ऐसे शब्द किए जो कि तुम भी एक अच्छे रेसलर हो। ठीक है, उसने इस तरह के कुछ अच्छे शब्द जो है प्रयोग किए। एंड सून दे स्टार्टेड कंजर्विंग, कुछ देर के बाद उनके बीच में कंजर्वेशन या आप कैसे कंजर्व यानी कि कंजर्टेशन यानी कि आप कैसे बातचीत हुई। आफ्टर अ वाइल्ड व्हेन अनिल स्टार्टेड टू वॉक ऑफ, कुछ देर बाद अनिल वहाँ से जा रहा था, हरी फॉलोड हिम विथ हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल। उसने हरी सिंह ने ऐसे स्माइल दिखाते हुए उसका पीछा किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू वर्क फॉर अनिल, वो चाहता था कि मैं इसके लिए काम करूँ, बट अनिल ब्लंटी एक्सप्रेस्ड इज रिलेटेड टू पे हरी। वो कहता था कि मेरे पास जो अनिल है वो कहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर पाऊँ। हरी क्वेश्चन अनिल एफ ही कुड फीड हम, हरी क्वेश्चन पूछा क्या तुम्हें मुझे खाना खिला पाओगे। अनिल एग्रीड टू फीड हरी ओनली इफ ही नो हाउ टू कुक। ठीक है, अनिल क्या कहता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा लेकिन तुम्हें एक खाना बनाना आता है। हरी सैड दैट ही नो हाउ टू कुक बट इट वॉज अ लाई। वो अब हरी ने उसे क्या कह दिया, ठीक है मैं खाना बनाना जानता हूँ लेकिन उसे असल में खाना बनाना नहीं आता था। ठीक है, उसके बाद अब जब उनके बीच में, तो वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चले जाओ। अब अनिल टुक हरी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के उसके ऊपर घर था तो वो उसे ले गया वहाँ पर। एंड लेट हिम ऑक्यूपाई द बालकनी टू स्लीप, और उसे बालकनी दे दी कि तुम यहाँ पर सो जाना। अनिल गेव डैट नाइट मील्स टू स्ट्रे डॉग बिकॉज द मील कुक्ड बाय हरी सिंह वॉज अ टेरिबल, क्योंकि और जो उसने रात को खाना बनाया था जो अनिल ने, वो मतलब जो हरी सिंह ने, वो उसे अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया यानी कि आवारा कुत्तों को दे दिया। वो क्यों दे दिया, क्योंकि उसका जो खाना था वो बहुत ज़्यादा डरावना और इतना मतलब अच्छा नहीं बना था, आप कह सकते हो। अनिल हैड रियलाइज दैट हरी डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, और अनिल को भी पता चल गया कि अब हरी को खाना बनाना नहीं आता। ही आस्क्ड हरी टू गो अप टू स्लीप, उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ और सो जाओ, बट हरी हंग अराउंड गिविंग इज अ मोस्ट अपीलिंग साइन। वही वही जो हरी सिंह था वो वहाँ पर ही खड़ा रहा, उसे एक स्माइल देता हुआ। अनिल पैटेड हरीज हेड एंड टोल्ड हिम डैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक, अनिल ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, सिर के पास मतलब उसके पास गया और उसने कहा कि ठीक है। अनिल कहता मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, ये उसने अब इसके बीच में कंजर्वेशन होती। अब
उसके बाद वो उसे खाना बनाना सिखा देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करने लगता है, उसे मतलब डेली डेली कुछ ना कुछ शब्द सिखाने लगता है, ठीक है। अब वो उसे कुछ, क्योंकि वो अब अनपढ़ था, उसे इतना नहीं आता था, तो वो क्या सोच रहा था कि वो उसे कुछ शब्द सिखाएगा, यानी कि कुछ वर्ड्स उसे सिखाएगा। वो कैसे, अनिल टॉट हरी टू राइट हिज नेम एंड प्रॉमिस टू टीच हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंसेज एंड एड नंबर इवेंचुअली। हरी, अनिल ने सोचा कि वो हरी को लिखना सिखाएगा और उसे प्रॉमिस भी किया कि वो उसे पढ़ाएगा कि कैसे हम होल सेंटेंसेस को लिखें, किस तरह हम नंबर्स को जोड़ें। हरी वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हैज ही नो डैट ही कुड अचीव एनीथिंग ही वांटेड वन ही नो हाउ टू रीड एंड लाइक ला एजुकेट। तो वो सोचता अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मैं जो हूँ क्या बनूँगा। अगर वो सोचता था कि मैं अगर पढ़ लिख जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँगा और मुझे चोरियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये वो सोचता था। He liked working for Anil. He started making tea in the morning and by the day's supply later. वो क्या करता था, सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था और कुछ उसे अब अच्छा लगा अनिल के लिए काम करना। वो कुछ मतलब दिन में कुछ समय के लिए चाय, मतलब सुबह सुबह वह चाय बनाता था और बाद में जो है घर का सामान लेने चला जाता था। He used to make a profit of about ₹1 on the buying day supplies, but he knew Anil did not mind. तो वो क्या करता था, जैसे कि मानो सब्जी है 29 रुपये की है, उसने वो क्या करता था, उससे 29 रुपये, अनिल ने उसे 30 दिए, तो वो क्या करता था 1 रुपया बचा लेता था कोई भी सब्जी में से। बट अनिल को ये पता था, पर वो फिर भी उसे कुछ नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अनिल को हरी का ट्रस्ट गेन हुआ। वो कैसे हुआ, उसके बाद में एक इवनिंग, उसके बाद में ठीक है, वो इस तरह बातें हडेली जाता था। उसके बाद वन इवनिंग अनिल कम बैक विथ अ बंडल ऑफ करेंसी नोट्स ही हैड गॉट फ्रॉम सेलिंग अ बुक दैट ही रिटर्न टू अ पब्लिशर। यानी कि एक शुभ शाम को अनिल कुछ बंडल, यानी कि एक जो हमारे नोटों की गुट्टी होती है उसके साथ आता है, ठीक है। और वो से कहाँ से मिले होते हैं, जहाँ से, क्या किया था उसने, एक बुक सेल की थी किसको, एक पब्लिशर को, और उसने ये उसे बदले में दिए थे। ही कैप्ट द मनी अंडर हिज मैट्रेस एंड स्लैप्ड पीसफुली। अब उसने क्या कर दिया, मनी को अपने मैट्रेस के नीचे रखा और आराम से शाम भी पूरे सो गया। हरी हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब हरी को 1 महीना हो गया था किसके, मतलब अनिल के काम करने के लिए। एंड ही गेन अनिल ट्रस्ट, अब उसको अनिल का ट्रस्ट भी मिल चुका था, यानी कि वो अब अनिल उस पर विश्वास करने लग गया था। हरी सॉट द अपॉर्चुनिटी टू, वो सोचता था कि ये उसके लिए एक्चुअल वक्त है अनिल को रोब करने के लिए। बट इट वॉज नॉट ईजी टास्क हैज़ ही नो डैट अनिल विल्स बी सैड अबाउट द लॉस ऑफ मनी। ये वो सोचता था कि ये कोई मतलब ईजी टास्क नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा अगर उसको मैंने लूट भी लिया तो वो बस थोड़ी सी सैडनेस दिखाएगा। ही ब्रश्ड अवे हिज थॉट एंड डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट द रॉबरी एट द सेम नाइट एज ही अनिल वुड अदरवाइज वेस्टेड द मनी ऑन हिज फ्रेंड। वो सोचता कि वो अब चुरा लेगा, क्योंकि अनिल जो है ये पैसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही खर्च करने वाला है, तो वो सोचता मैं ऐसे चुरा ही लूँगा, बाद में मुझे क्या पता मिले ना मिले। अब हरी ने उसे रॉब कर लिया। अब उसके लिए मतलब इजी टास्क क्यों नहीं था, क्योंकि अनिल था जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस था, अगर उसे लूट भी लिया जाता तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बस उसको अपने ट्रस्ट, उसके भरोसे को तोड़ना वाला था। तो उससे क्या हो जाता, हरी का मज़ा जो है किरकिरा हो जाता, क्योंकि जैसे कि अमीर आदमी को जब लूटा जाता है तो वो फियर दिखाता है, ठीक है, या गुस्सा दिखाता है। पुअर मैन उसे एक्सेप्ट करता है, मिडल स्पैन होते हैं जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं जब उनको कोई भी चोरी की जाती है। हरी कंसर्ट द सिचुएशन एंड क्रॉल्ड अप टू द बेड व्हेन अनिल वाज अस्लीप। हरी ने सिचुएशन को कंसीडर किया और वो बेड के नीचे उसने क्या किया, अपना हाथ जहाँ पर अनिल सोआ था वहाँ पर उसने अपना हाथ डाल लिया। ही स्लिड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस एंड ड्रू द मनी आउट क्वाइटली, और चुपके से उसने उस मनी को निकाल लिया, अपना हाथ उसने मैट्रेस के नीचे डाला और चुपके से मनी को निकाल लिया। ही रश्ड आउट ऑफ रूम एंड बिगन टू रन ऑन द रोड। वो रूम से बाहर निकलाया और वो मतलब रोड पे भागने लगा। ही हैड सिक्योर्ड द मनी विथ अ स्ट्रिंग ऑफ हिज पजामा। उसने अपने पजामा के जो नाड़ा था उसके साथ अपनी मनी को बांध लिया। ही वॉज हेडलिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन टू कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ एज ही प्लान। अब उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगा, अब वो भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, क्योंकि अब उसे क्या करना था, स्टेशन की तरफ भाग रहा था, क्योंकि अब उसने क्या करना था, 10:30 एक्सप्रेस जो लखनऊ से प्लान थी उसमें चढ़ना था कि वो अब वहाँ से चढ़ जाएगा और कहीं और जगह पर चला जाएगा। ही वॉज एलेटेड वैन ही काउंटेड द मनी ऑन हिज वे।
अब उसके बाद वो वहां पर रुका और उसने अपनी मनी को जो है काउंट किया। अब ये जो है इस स्टोरी का मेन टास्क है भाई, क्योंकि ठीक है ये स्टोरी चलती गई, उसने क्या किया उसको रोक लिया, चोर लिया, अब क्योंकि अब वो उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है जो करने लगा था। हरी डिड नॉट बॉ, अब उसने ट्रेन को नहीं बोर्ड किया, क्यों नहीं किया हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हरी रीच द स्टेशन जस्ट वैन द ट्रेन वॉज अबाउट टू पिक अप स्पीड, यानी कि अब उसने हरी ने क्या कर दिया, हरी वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गया जब गाड़ी जो है पिकअप स्पीड पर थी, यानी कि अब गाड़ी को पकड़ा जा सकता। ही कुड हैव मैनेज टू गेट इंटू वन ऑफ हिज कैरेजिंग बट समथिंग अनएक्सेप्टेबल स्टॉप्ड हिम, ही वॉज अ लेफ्ट, अब जो गाड़ी है वो आगे से चली गई, लेकिन वो चढ़ना चाहता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाया गाड़ी पर, क्यों, ही वॉज अ लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्टेशन, वो अकेला रह गया स्टेशन पर। ही डिसाइडेड टू लीव द स्टेशन एंड थॉट वाइल वॉकिंग थ्रू द बाजार, वो उसने सोचा कि वो स्टेशन को छोड़ देगा, एंड थॉट और सोचा जब जो क्या एक वो बाजार से जा रहा था, अबाउट हाउ वुड अनिल फील वैन ही वुड कम टू नो डैट अबाउट द थेफ्ट, और वो सोच रहा है कि अनिल को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसे लूट लिया गया है। हरी हैड रियलाइज बाय देन दैट ही कुड नॉट ओनली कुक द मील्स और गो टू द मार्केट टू बाय डेली सप्लाई, वो हरी को रियलाइज हुआ कि वो जो है मतलब उसे वो कुक भी नहीं करता था मील्स को, बस सिर्फ मार्केट जाता था क्या करने के लिए, डेली सप्लाईज को लाने। बट ही हैड आल्सो लॉस्ट द चांस टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, तो अब उसने जो है अपना चांस है जो उसे खो लिया है, क्योंकि अब वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि अब उसने थेफ्ट उसे चोरी कर लिया। ड्यू टू दिस थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू, इस गिल्ट अब वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में दुख में होगा था और उसने सोचा कि अब वो घर पर वापस आएगा, इफ ओनली फॉर द शेक ऑफ लर्निंग हाउ टू रीड ऑन, सिर्फ उसके लिए क्योंकि उसे जो है लर्निंग रीड करना था, राइट करना था, यानी कि उसे पढ़ना लिखना सीखना था, क्योंकि पढ़ना लिखना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है स्टोरी का पड़ाव आ गया है, हरी कैप्ट द मनी, हरी ने उस मनी को वापस रख दिया। कैसे, हरी हर टू वर्ड द रूम, हरी जल्दी से कमरे में आ गया। ही ओपन द डोर कॉस्टली एज टू नॉट वेक अप, उसने डोर को चुपके से खोला ताकि अनिल जग ना जाए। ही क्विकली टुक आउट द करेंसी नोट्स विच वर डैम्प बिकॉज ऑफ द रेन, उसके बाद क्या जब वो बाजार से जा रहा ना तो वहाँ पर रेन होने लगी थी, वर्षा, तो वहाँ पर क्या होने लगी थी जब वो बाजार से पिछले वाले देखा था ना या बाजार से जा रहा था, उसके बाद क्या होने लगी, रेन होने लगी। अब उसने सोचा था कि वो घर जाएगा वापस और उसके जो नोट्स है वो पूरी तरह गीले हो चुके थे, तो अब जो नोट्स है वो गीले गीले हो गए थे क्योंकि रेन की वजह से। ही क्रैप्ड अप टू द बेड एंड प्लेस द नोट, उसने किसी ने वो बेड पे चढ़ा, मतलब उस वो बेड पे गया और उसने क्या जो किसी तरीके से उस मैट्रेस के अंदर जो नोट्स है उसे प्लेस कर दिया। आफ्टर डैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप, उसके बाद वो बालकनी में चला गया सोने के लिए। अच्छी मैम, अब हरी वो कप लेट इन द मॉर्निंग, हरी लेट उठा मॉर्निंग में, ही फाउंड डैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही, उसने देखा कि जो अनिल है उसने चाय बना ली है। अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी, अब अनिल ने उसे 50 रुपये दिए हरी को, टेलिंग हिम डैट ही हैड अर्न सम मनी बाय सेलिंग अ बुक टू अ पब्लिशर, नाउ ही वुड पे हिम रेगुलरली, और उसे कहा ये उसे पैसे कहाँ से मिले कि उसने एक बुक सेल की थी पब्लिशर को और वो अब उसे जो है रेगुलरली पे करेगा। हरी वाज मोटिवेटेड दैट ही कुड मेक आउट दैट अनिल न्यू एवरीथिंग, अब उसे पता लग गया था कि अनिल को सब कुछ पता चल चुका है। अनिल न्यू एवरीथिंग थॉ ही डिड नॉट से एनीथिंग टू अबाउट हिम, लेकिन अनिल को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने जो है हरी सिंह को कुछ नहीं कहा और ये चीज़ उसको रियलाइज हुई और वो सोचते उसके बाद वो कहता है कि चलो जल्दी से उठ जाओ, आज से हम सेंटेंसेस लिखना जो है स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टोरी हो जाती है यहीं पर ऑफ। तो हमने देखा कितनी प्यारी स्टोरी थी कि एक थीफ को उसने अपनी अच्छाई से थीफ नहीं बनाया, उसे एक अच्छा व्यक्ति व्यक्ति बनाया, क्योंकि जैसा उसने उसे कहा था तो अब उसने उसे करके दिखाया, मतलब उसने एक उसे अच्छा इंसान बनाया जो कि चोर था, अब उसे इतना सही मनुष्य बनाया, अब वो कभी चोरी नहीं करेगा, अब उसे इंग्लिश पढ़ना लिखना भी सिखाया, ठीक है वो चोर था उसने उसे 50 रुपये भी दिए, उसे चोरी का पता भी लगा लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता था थीफ स्टोरी यहीं पर कंप्लीट। सो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरा चैनल है, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे एक नई वीडियो में।